हाय एवरीवन, मैं कीरत गिल शर्मा। अराउंड 7 साल पहले मैं अपना घर और अपनी फैमिली को छोड़ के कैनेडा आ गई थी अपना करियर बनाने, और ये है मेरी कहानी। मेरे को चांस मिला कनाडा आने का। मुझे इस फर्स्ट टाइम यहाँ पे एडमिशन मिली थी एंड आई केम टू कनाडा जस्ट बिकॉज ऑफ डगलस कॉलेज। सो मैंने यहाँ से अपना पोस्ट डिग्री डिप्लोमा इन फाइनेंशियल प्लानिंग करा था एंड दैट कोर्स वाज रियली वेरी चैलेंजिंग, बट आई डिडंट लूज होप एंड मैंने वो कंप्लीट किया। आई ग्रेजुएटेड विद दैट कोर्स एंड यहाँ पे मैंने अपने 4 semesters एक्चुअली लगाए थे। यहाँ पे मेरे सारे दोस्त बने थे एंड मैंने बहुत कुछ इस कॉलेज से सीखा। मैं आपको बताना चाहूँगी, द जर्नी वॉजन दैट ईजी, बिकॉज इंडिया में आपको पता ही होगा यार, हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ते होते थे। यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से मैं आई, सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया, एवरी वीक असाइनमेंट्स, आई वॉज लाइक ओवरवेल्म्ड कि ओह शिट यार ये कैसे होगा मैनेज। बट धीरे 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 यू नो रूटीन में पढ़ती गई, सारे दोस्त साथ थे एंड एवरीबडी वॉज क्राइंग प्लस एट द सेम टाइम इन्जॉइंग, एंड हमने करते करते निकाल लिया अपना एक साल एंड मैं ग्रेजुएट हो गई थी। आई वॉज सो हैप्पी जब एक साल बाद लाइक आई गॉट ग्रेजुएशन एंड आई वॉज रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी, देर वॉज अ टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा मेरा डाउनफॉल आ गया था, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम लाइक आई वॉज स्टडिंग एट द सेम टाइम पार्ट टाइम जॉब कर रही थी मैं। एंड तो बहुत लोग कहते होते थे कि यार PR ही लेनी है, कोर्स चेंज कर लो। तो मेरा कोर्स पोस्ट डिग्री डिप्लोमा था, विच यू कैन ओनली डू अगर आपने इंडिया से ग्रेजुएशन कर रखी हो या कहीं से भी ग्रेजुएशन कर रखी हो, तभी आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। बट यहाँ पे आके बिकॉज इतना एकदम से स्टडी पैटर्न डिफरेंट था, तो बहुत लोग कह रहे थे कि थोड़ा ईजी कोर्स ले लो। एक बहुत फेमस कोर्स होता था कि जनरल बिजनेस, और कईयों ने, मेरी क्लासमेट्स ने चेंज भी कर लिया। देयर वॉज अ पॉइंट जब मैंने भी चेंज कर लिया था अपना कोर्स, बट उस रात को मेरे दिल में ऐसा हुआ कि यार मैं इतनी दूर आई हूँ एंड मैं इतनी जल्दी कैसे हार सकती हूँ। आई वोक अप द नेक्स्ट डे, कैंसल्ड माई रजिस्ट्रेशन फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर एंड आई कंटिन्यूड विद माई कोर्स दैट आई केम विद। गाइज, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज इट्स अ चेंज, राइट? आप इतनी दूर से आ रहे हो, एकदम से एक नए कंट्री में आ रहे हो, नए कॉलेज में आ रहे हो, एंड आपको लगता होगा कि यार नहीं, कुछ ईजी वे आउट ढूंढ लेते हैं। तो ईजी वे आउट आपको मिल जाएंगे, बट यू नीड टू पुश योर सेल्फ, एंड वही मैंने किया। एंड आई डिसाइडेड, आई टुक दैट स्टेप कि नहीं, आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस हार्ड वर्क एंड आई विल कंप्लीट माई कोर्स। सो फाइनली एक साल बाद मेरा वो कोर्स कंप्लीट हो गया था। अब मैं आपको अंदर से डगलस कॉलेज दिखाती हूँ। ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे टीचर्स बहुत ही स्वीट थे, दे वर सो हेल्पफुल। कोई भी डाउट्स होते थे, कुछ भी होते थे, आफ्टर क्लास उनको जाके परेशान करते थे एंड दे वर सो नाइस। गाइज, इफ यू आर थिंकिंग टू कम टू डगलस कॉलेज, दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड चॉइस। तो ये था मेरा डगलस का सफ़र। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि और मैंने कहाँ अप्लाई करा था, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक साल का कोर्स करते हो तो आपको एक ही साल का वर्क परमिट मिलता है। तो मुझे भी घबराहट हो रही थी, ऑब्वियसली दूसरा साल भी करना था, तो दूसरे साल के लिए मैं डगलस में नहीं, मैंने कहीं और अप्लाई करा था। सो चलो आपको वहाँ लेके चलते हैं। गाइस, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक और छोटी सी इंसिडेंट बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ना, मतलब कि पैसे कम होते थे ऑब्वियसली, और बड़ा ही मेरे अंदर से होता था कि यार मम्मी से पैसे नहीं मंगवाने, जो करना है खुद ही करना है। तो सेविंग करने के लिए क्या होता था कि भूख लगी होती थी एंड पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने होते थे, और क्योंकि तुम कन्वर्ट कर रहे होते हो तो बिल्कुल ही पास ही कॉलेज के सेव पे होता था। यहाँ से गैस करो, मैं क्या लेती थी, सबसे सस्ती चीज़ यहाँ पर मिलती होती थी केले, तो मैं बड़े ही केले खाती थी। तो कई बार क्या होता था, मेरे को इतनी भूख लगती होती थी, मैं अपनी फ्रेंड्स को कहती थी यार प्लीज़ मेरे को प्लीज़ केला दिलवा दो। तो आप सोच रहे होंगे कीरत की जर्नी है और मैं क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली कीरत की सारी जर्नी में मैं ना हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता, बट ये वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे मैंने कीरत को आने के लिए बहुत बार मना किया था कि ज़रूरत नहीं है, मत कर,
वो जगह देखते हैं वो क्या है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। अब इसकी स्टोरी मैं भी बताता हूँ कीरत के साथ। सो कीरत का सेकेंड ईयर जो है वो था यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में। इसको मैंने बहुत बार मना किया था कि तू डगलस में, तू इंडिया से आई है, यही इसी कॉलेज में तू पढ़ सकती है सेकेंड ईयर। बट कीरत का थोड़ा सा ऐसे रहता है, शी ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट इन टू अ यूनिवर्सिटी। और एक बार कीरत जो कमिटमेंट कर दे अपने आप से, उसके बाद तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती। तो गाइज ये मेरी ड्रीम थी बचपन से तो नहीं, बट हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब मेरे को कनाडा आना था, मुझे ये था कि यार एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी में मैं ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ, वो एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर लेना है। और कहीं पर भी हम ये नहीं कह रहे कि डगलस कम या ज़्यादा था, इट वॉज अगर इंडिया से तुम अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एंड इट्स सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू इट। बट एक बारी कीरत यहाँ पे आई, कीरत ने कुछ समझा एंड व्हेन शी वाज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अराउंड इट, शी अप्लाइड फॉर यूबीसी। थोड़ा गाइडेंस का भी इसमें थोड़ा इशू आ जाता है। इंडिया में हम कंसल्टेंट्स के थ्रू जाते होते हैं, यू नो मैं बड़ी उनके टाई अप होते हैं एंड डगलस कॉलेज। और ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में एडमिशन भी हो जाएगी, लाइक मैं सोच भी नहीं सकती थी। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक शाउट आउट देना चाहूँगा मिसेस गिल को, जो मेरी सासू माँ है। आई थिंक कीरत और मिसेस गिल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एन अमेजिंग वुमन, बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं कीरत को। इनफैक्ट मैंने भी कीरत को बोला था, मैं कहा छोड़ कैनेडा तक पहुँच की है, वाई डू यू वॉन्ट टू स्विच राइट नाउ एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। बट कीरत को था कि मेरे को भी जाना है, इसकी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया एंड शी वॉज एबल टू गेट इन टू इट। एंड चेरी ऑन द केक वॉज कि मैं बहुत प्राउडली बात बताता हूँ, कीरत गॉट अ चांस टू कम ऑन द कवर ऑफ UBC क्लास ऑफ 2017। इमेजिन कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड कमिंग ऑन द कवर ऑफ UBC, इट वॉज अमेजिंग। सुंदर लोग ढूंढ रहे थे उन्होंने एंड शी गॉट दैट। कैसे हुआ, लाइक आई जस्ट सॉ द अपॉर्चुनिटी, आई अप्लाइड फॉर इट एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड वाज सो अमेज्ड। एंड कीरत यहां पे तूने डगलस में हमने किया था कौन सा कोर्स? मैंने डगलस में करा था फाइनेंशियल प्लानिंग, दैट वाज फॉर 1 ईयर कोर्स। एंड यूबीसी में? यूबीसी से मैंने किया था डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, दैट्स आल्सो अ पोस्ट डिग्री डिप्लोमा। एंड यहां पे एक इशू आता था, कीरत कैन यू टेल एवरीवन कि तू सिर्फ यूबीसी में आने के लिए कितना टाइम ट्रैवल करती थी? तो मैं फैमिली के पास रहती थी एंड मेरे को आप बिलीव नहीं करोगे, सरी से यूबीसी का टाइम ट्रैवल वाज 2 आवर्स वन वे। तो मुझे एक क्लास 3 घंटे की लगाने के लिए 4 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता था। इमेजिन 3 घंटे की एक क्लास लगाने के लिए 4 घंटे का ट्रैवल टाइम। आई डोंट नो हाउ आई डिड इट बट आई एम ग्लैड कि मैंने वो किया। एंड उसके बाद तुम अपना दूसरी जगह ट्रैवल करते हो बिकॉज ऑफ योर पार्ट टाइम जॉब्स एंड एवरीथिंग, जो हम अभी बताने वाले हैं। बिल्कुल। ऑल्सो अब यहाँ पे एक और मेरे को चैलेंज जो बहुत ज़्यादा लगा था, दैट वाज डगलस में कॉलेज था, थोड़ा मुझे लगता था कि थोड़े इजी एग्जाम्स होते थे बड़े, एंड इट वाज डूएबल, टीचर्स भी आपकी हेल्प कर देते थे। यूनिवर्सिटी का काफ़ी पैटर्न डिफरेंट था, इतने स्ट्रिक्ट एग्जाम्स आते थे, जो भी असाइनमेंट्स होती थी कभी उसमें से कुछ आता ही नहीं था। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कहाँ से पेपर डाल रहे हैं, जितना मर्जी आप असाइनमेंट्स या कुछ भी कर लो, ये तो वो ट्यूशन वाली बात होगी। दे वुड यूज्ड टू से कि हम आपको CPA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, विच इज़ ऑनेस्टली ट्रू। नाउ आई एम डूइंग CPA एंड मुझे जेन्युइनली लगता है दैट दे वर एक्चुअली प्रिपेयरिंग अस फॉर CPA, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा इजी भी तो नहीं कहूँगी, बट आई एम एबल टू लाइक टेक दैट प्रेशर बिकॉज आई स्टडीड हियर। फॉर अ मिनट लेट्स ऑल कमेंट्स में लिख देते हैं कीरत को ऑल द बेस्ट। कीरत का आज CPA का कोर्ट 2 का एग्जाम था, आई होप ये पास हो जाए एंड शी विल बी, आई एम वेरी श्योर, इसे बहुत मेहनत की है, सो अब ये CPA परस्यू कर रही है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से यहाँ पे मेरे को ग्रेजुएट होने का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा लगा, मैं जहाँ पे भी अप्लाई करती थी ऑनेस्टली मुझे कॉल आ जाती थी इंटरव्यू। नाउ आई डोंट नो दैट वॉज माई लक और वॉट, बट आई फेल्ट के रेजमे में UBC होना वॉज अ प्लस पॉइंट। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे मैं सिर्फ 3 घंटे की क्लास लगाने आती थी, मेरे क्लास के टाइम होते थे 6 से 9, तो मैं हमेशा मैं सुबह जल्दी उठ नहीं सकती होती थी एंड मुझे इनफ टाइम मिल जाता था कि मैं नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो सकूँ एंड 2 घंटे का ट्रैवल टाइम होता था। बट ये कैंपस इतना अच्छा होता था कि क्लास के बाद कभी आधा घंटा रुक जाती थी एंड या फिर जल्दी आ जाती थी। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी दिखाती हूँ कि इतनी प्यारी लाइब्रेरी है यहाँ पे, तो 2 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, एक तो ये है, बिल्कुल ही दिखा दो प्लीज, और दूसरी मेरी फेवरेट लाइब्रेरी हो रही, अभी कोरोना की वजह से बंद है ये लाइब्रेरी।
बट ये अंदर से लिटरली ऐसे लगता था जैसे हॉगवर्ड्स आ गए हो आप। कोई भी इवेंट हो रहा होता था, हॉकी गेम्स होती थी, कॉन्सर्ट्स होते थे, यहाँ पे मैंने इतना एंजॉय किया ना, मुझे डर भी बहुत लगता था, आई वोंट लाए, मुझे कई कई ऐसे ऐसे कॉन्सर्ट्स होते थे जैसे कंट्री कॉन्सर्ट, थोड़े से राउडी क्राउड आता होता था तो बहुत सारी इवैक्यूएशन कॉल्स आती थी कि भाई इस बंदे ने पी रखी है, निकालो इसको सीट से। तो साथ में वैंकूवर पुलिस भी कई बार ऐसे तुम्हारी पार्टनर होती थी तो बैकअप के लिए, सो यू विल टॉक टू देम एंड साथ में यू नो दे विल हेल्प यू आउट, अगर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जाती होती थी तो वो हेल्प कर देते थे। तो इतना सीखने को मिला ना मुझे यहाँ से, लाइक मेरी कम्युनिकेशन इतनी इम्प्रूव हुई है बिकॉज इतने लोगों से रोज तुम डील कर रहे होते थे लाइक एट एवरी इवेंट एंड हर एक बंदा डिफरेंट होता था। लाइक द मेन कस्टमर सर्विस दैट आई लर्न्ड वाज फ्रॉम रॉजर्स एरिना एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ रॉजर्स एरिना फैमिली। एंड मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 साल काम किया होगा पार्ट टाइम। सो व्हाई आई चोज सिक्योरिटी गार्ड एज अ पार्ट टाइम ऑप्शन वाज बिकॉज ये मिनिमम वेज से ज़्यादा उस टाइम पे करते होते थे। लाइक जब मैं कनाडा आई थी तो मिनिमम वेज बीसी की $12 समथिंग होती थी, नहीं $11 समथिंग, एंड सिक्योरिटी गार्ड को $13 मिल जाते थे और रॉजर्स एरिना $16 दे देता था पर आवर। सो दैट्स व्हाई आई जॉइन रॉजर्स एरिना बिकॉज आई यूज्ड टू मेक $16 पर आवर एंड साथ ही साथ आई यूज टू लाइक मुझे वो जॉब लगती ही नहीं थी, आई यूज टू इन्जॉय सो मच, आई कुड कनेक्ट विद लाइक यू नो कनेडियन ऑडियंस, कनेडियन पीपल एंड मैं इतना इन्जॉय करने लगी थी आइस हॉकी भी साथ ही साथ। आप बिलीव नहीं करोगे ऐसे ऐसे कॉन्सर्ट्स देखे मैंने जो मैं कभी लाइफ में भी नहीं सोच सकती थी कि आई वुड गेट अ चांस टू बी पार्ट ऑफ दोज कॉन्सर्ट्स एंड टू वॉच दोज कॉन्सर्ट्स you know for free, I was like getting paid to watch those concerts, imagine. I'll tell you kaun se concerts went, Justin Bieber, Rihanna, Weeknd, Drake, sare, you name it, Lady Gaga, Miley Cyrus, Selena Gomez, everything, Pink Floyd, so you won't even, like itne sahi concerts dekhe the maine live, that was like unbelievable. मेरा लाइफ टाइम का एक बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो सिक्योरिटी गार्ड में ना मेरे के मैंने मतलब कि ऐसे अलग अलग जगहों पे ऐसे से शिफ्ट पिक करी थी, कोई स्टेबल शिफ्ट नहीं थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर में मेरी स्टेबल शिफ्ट थी, वो भी मैं आपको लेके चलूँगी वहाँ पे भी, जहाँ पे मैंने 1 साल स्टार्टिंग में काम करा था पार्ट टाइम, वीकेंड पे काम करती होती थी, वो छोड़ के फिर मैंने रॉजर्स एरिना स्टार्ट करा। मैंने फर्स्ट 1 साल जब मेरे को वर्क परमिट मिल गया तो 1 साल मैंने फुल टाइम जॉब करी, साथ साथ ये पार्ट टाइम जॉब भी कंटिन्यू करी। आप बिलीव नहीं करोगे आई यूज टू ड्राइव ऑल द वे फ्रॉम एबसफोर्ड, मेरी फर्स्ट फुल टाइम जॉब एबसफोर्ड में लगी, फ्रॉम एबसफोर्ड आई यूज टू वर्क फ्रॉम 8 to 4, फिर यहाँ पे शिफ्ट स्टार्ट होती थी 5 बजे, 5 से लेकर रात के 12 बजे तक यहाँ पे भी काम करती होती थी, कई बार जल्दी डिपेंड करता था इवेंट टू इवेंट, कभी इवेंट 10:30 खत्म हो जाता था, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे तक भी चलता था, तो मैं घर पहुँचती थी 2 बजे तक, फिर दोबारा सुबह उठना। 1 साल मैंने ऐसे किया, फिर बाद में रियलाइज हुआ यार ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, ज़्यादा खर्च रहे हो, सो यू नीड टू स्टॉप दिस एंड कभी ना कभी थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि नहीं नहीं यार अपनी हेल्थ को भी देखना होता है। सो मैंने सोचा कि नो आई थिंक आई हैव टू गिव अप दिस जॉब एंड इसको बाय बाय करना पड़ेगा पार्ट टाइम के लिए, दिस वॉज रियली अमेजिंग जॉब एंड मैंने बहुत इंजॉय करा यहाँ पे एंड आई हैड टू से बाय बाय टू रॉजर्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ माई फुल टाइम जॉब। तो आई रियली वॉन्ट टू थैंक कैनेडा बिकॉज मैं ऑनेस्टली ये सब कुछ बिल्कुल भी इंडिया रह के तो बिल्कुल नहीं सीख पाती,
वो जो कंफर्ट जोन था, मैं अपने इंडिया में मतलब के यू नो आई फेल्ट लाइक मैं एक शेल में हूँ, एंड यहाँ पे आके मैं खुद बहुत कुछ सीखी हूँ जो मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी मैं करूँ. इन टर्म्स ऑफ 1 टू 10 रेट योर एक्सपीरियंस. आई वुड से मेरा अभी तक 10 ऑन 10 रहा है, एंड आई वाज लाइक सुपर हैप्पी विद व्हाट आई लर्नड एट ईच फेज, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो, चाहे फिर वो मेरा फुल टाइम जॉब हो. एंड सो फार अभी भी वो जर्नी चल रही है, एंड आई एम एंजॉयिंग एवरी पार्ट. तो ये है मेरा लास्ट स्टॉप, लेकिन ये मेरे कनाडा का फर्स्ट स्टॉप था जहाँ पे मैं पहले रही थी स्टार्टिंग के 2.5 साल. अब तो आपको पता ही है मेरा रूममेट आ चुका है परमानेंट. ये मेरे मामू हैं. क्या शो? ऐसे घर वाली फील हमेशा यहाँ पे रही, एंड मैंने बहुत दोनों को परेशान किया है. मेरी बहुत डीप स्लीप होती थी, मामी जी रोज मुझे सुबह उठाती थी. खाना आपको पता ही मुझे आता नहीं है बनाना, इसीलिए नहीं आता क्योंकि मामी जी इतना स्वाद बनाती थी कि मेरा दिल ही नहीं करा कभी सीखने का, और ना ही कभी इन्होंने मेरे को कभी फोर्स किया. काश मामी जी आप सिखा देते तो मेरे लिए थोड़े काम आ जाती है. यहाँ पे मुझे ऐसा लगता था मैं तो एक घर पे ही रह रही हूँ, मुझे बिल्कुल वैसे ही फील होता था, और मुझे कभी ऐसे होम सिकनेस फील ही नहीं हुई. तो इतना मामा मम्मी ने मेरा ध्यान रखा, लो पॉइंट्स जितने भी आते थे मैं आके डिस्कस कर सकती थी इनसे प्रॉपर. कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, काम पे कोई प्रॉब्लम होनी वो मैंने शेयर करनी, कभी स्कूल में प्रॉब्लम होनी, फ्रेंड्स में प्रॉब्लम हो जानी वो भी शेयर करनी. तो वो बहुत ज़्यादा मतलब के ऐसा होमली इन्वायरमेंट था और कहीं नहीं मिल सकता था. सो बट मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ मामू नू, मामी जी नू, दे हैव टेकन केयर ऑफ मी इतना ज़्यादा मतलब के मैं लिटरली वापस चली जाती अगर मुझे ऐसा घर का इन्वायरमेंट ना मिलता. क्योंकि इतना मुश्किल हो जाता है नई कंट्री में आना, खाना ना बनाना कौन करेगा ये सब, कैसे होएगा इतना कुछ, कैसे बंदा सीखेगा. तो मामू का एक्सीडेंट हो गया था, एंड मामू के नी पे बहुत ज्यादा चोट मतलब के नी फ्रैक्चर हो गया था, एंड ही वाजंट एबल टू वॉक एट ऑल. और मेरा रूम नीचे होता था, मेरा एग्जाम था, एंड मैं ना ऐसे बोल देती थी मुझे प्लीज मैं थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ, मुझे ना एक घंटे तक उठा देना. तो ऐसे ही बोल के मैं सो गई, और मैंने मम्मा को भी बोल दिया कि मम्मा मेरे को उठा देना. और मम्मा मेरे को कॉल पे कॉल कर रहे हैं, 45 कॉल्स करी मम्मा ने, हार के मम्मा ने मामू को कॉल करा, एंड मामू ने फिर दोबारा कॉल करा, मामी जी ने भी कॉल करा मुझे दोबारा, फिर भी नहीं मैं उठ रही. इतनी डीप स्लीप में, निर्वाणा स्लीप में मैं जा चुकी थी. फिर हार के मामू लिटरली स्टेयर्स पे बैठ बैठ के फ्रैक्चर्ड नी के साथ एकदम से मेरे रूम में ऐसे नॉक करके आए कि किरत. और फिर मैं एकदम से शॉक में उठी, ओह शिट, भागो, अब तो भागो, अब तो कुछ हो गया. बट मैं उस दिन बच गई थी, मेरा एग्जाम मिस हो जाता फाइनल था अगर मामा ना उठाते. सो गाइस, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, सो वी डिसाइडेड कि हम इसको दो पार्ट्स में शूट करेंगे, एंड ये था हमारा पार्ट 1. पार्ट 2 हम जल्द ही लॉन्च करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, कॉमेंट डाउन बिलो, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पार्ट 1. ओके बाय.